Good afternoon, everyone. Let's start our new topic, that is digestive system. अब क्या है, आपने स्टार्टिंग से पढ़ा हो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या बेसिकली क्या होता है. डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, आपका खाना डाइजेस्ट होता है. जो भी आप खाना खाते हो कॉम्प्लेक्स से वो सिंपल में बनता है. फिर क्या होता है, अब्सॉर्प्शन होती है, डाइजेशन होती है और फिर एक्सक्रीशन होती है. जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो आपका स्प्लिट आउट हो जाता है. अब ये सिस्टम हमारी बॉडी में क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है. अगर सपोज करो कि ये सिस्टम अगर आपकी बॉडी में नहीं होगा तो क्या होगा, जितने भी आपके अनडाइजेस्टिव फूड है वही आपकी बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे और वो कहीं ना कहीं फिर जाके आपकी बॉडी में वेरियस हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे. हो सकता है आपका फूड इन्फेक्शन होना शुरू हो जाए, ब्लड में इन्फेक्शन आना शुरू हो जाए. तो हम बेसिकली क्या करते हैं, मेनली स्टमक हो गया, माउथ से बेसिकली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है और एनस तक आपका खत्म होता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है. डाइजेस्टिव सिस्टम इज यूज फॉर ब्रेकिंग डाउन फूड इंटू न्यूट्रेंट्स. जो भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपका क्या करता है, फूड को ब्रेक डाउन करता है. और ब्रेक डाउन किससे करेगा, विद द हेल्प ऑफ टीथ. क्योंकि जो डाइजेस्टिव सिस्टम हो रहा है वो माउथ से शुरू हो रहा है, माउथ में आपका जो टीथ है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. विच देन पास इनटू अ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड देन टेकन टू वेयर दे आर नीडेड इन अ बॉडी. वही आपका जो भी आपका न्यूट्रिएंट है वो आपके सर्कुलेट होते हैं और बॉडी में जाते हैं जहाँ भी उनको नीड हो. तो आप डायग्राम में देख सकते हो, आपका डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो कि माउथ से शुरू हो रहा है, वहाँ पे आपकी सलाइवरी ग्लैंड है जहाँ पे आपका सलाइवा बनता है. वो क्या करता है, आपकी जो भी आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो उसको क्या करता है, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है. उसके बाद एपिग्लोटिस क्या करता है, ये मेनली फूड और जो भी विंड पाइप है उनको अलग करता है. यानी कि जो आपका खाना है वो सांस की नली में ना जाए इसलिए ये प्रेजेंट है. ईसोफेगस आता है, उसके बाद स्टमक, फिर पेनक्रियास, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम एंड एनस. अब फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, आपका खाना इंजेक्ट करता है. यानी कि जो भी आप खाना खाते हो उसको लेता है, फिर ब्रेक डाउन फूड इंटू न्यूट्रेंट्स मॉलिक्यूल, फिर वहां से मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होते हैं और वो कहाँ जाते हैं, आपकी ब्लड स्ट्रीम में. फिर उसके बाद जो रिमूव होते हैं अनडाइजेस्टिव फूड वो आपका कहाँ रहता है, बॉडी से बाहर चला जाता है. स्टेजेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग में कौन कौन सी आपकी स्टेजेस आती है, इंजेशन यानी कि जब आप खाना लेते हो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन. जब वही फूड आपका ब्रेक डाउन होता है सिंपलर फॉर्म में तो उसको बोलते हैं डाइजेशन. और वही न्यूट्रिएंट जब आपकी बॉडी में जाके एब्जॉर्ब होते हैं तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन. और अगर वो अनवांटेड फूड है उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा और वो उसको बाहर निकाल रहा है तो रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की. तो उसके अंदर आते हैं आपके माउथ, माउथ में आपके आते हैं टीथ, सलाइवरी ग्लैंड, टंग. अब माउथ की वर्किंग क्या है, टीथ क्या करता है, बेसिकली मैकेनिकली ब्रेक डाउन फूड इंटू स्मॉल पीसेस. जो भी आपके टीथ है वो क्या करते हैं, मेनली फूड को ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में. टंग्स क्या करती है, उसको मिक्स करती है ताकि आपके बोलस फॉर्म हो सके. ठीक है, टंग्स मिक्स फूड इनटू सलाइवा कंटेन अमाइलेज विच ब्रेक डाउन स्टार्च. तो जो भी आप खाना खाते हो वो स्टार्च भी ब्रेक डाउन करता है. इट हेल्प टू पुश फूड इनटू ईसोफेगस. फिर ये टंग की हेल्प से आपका जो खाना है वो आपका नेक्स्ट पार्ट में चल जाता है ईसोफेगस. Esophagus क्या, when the food enter into esophagus then to prevent food from going down the wrong tube. ठीक है, जब आपका खाना आपका esophagus में जाता है तो वहाँ पे क्या करता है, food prevent होता है ताकि वो आपका wind pipe में ना जाए. तो कौन बचाता है आपका, epiglottis. जब हम खाने को निगलते हैं तब. उसके बाद mouth क्या करता है, आपका entering of food करता है. Esophagus आपका next bolus form करता है. उसके बाद ओसोफेगस आपका क्या करता है, ब्रेक फूड पाइप पासिंग ऑफ फूड. स्टमक क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है इनटू स्मॉल कंपोनेंट. और उसके बाद आती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन. सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है. नेक्स्ट आती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन. जो भी आपका अनडाइजेस्टिव फूड है वो आपका फीसिस में कन्वर्ट होता है. नेक्स्ट है आपका एनस. वो ये क्या करती है, जितने भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से बाहर निकालती है. नेक्स्ट है आपका स्टमक एनाटॉमी. स्टमक के कितने पार्ट्स होते हैं, स्टमक क्या है, स्टमक बेसिकली क्या आपका मस्कुलर ऑर्गन. ठीक है, ये किससे मिलके बना होता है, आपका आपकी मसल्स पढ़ा था ना, स्केलेटल सिस्टम, कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल. तो जो आपका
मसल्स है वो आपका स्मूथ मसल से मिलके बना। मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ अपर एपिडम, ये स्टमक आपका लेफ्ट साइड में होता है अपर एबडोमन के पार्ट्स में। रीजन अब पार्ट्स, स्टमक के पार्ट्स कौन से, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरस, फाइनल की शेप में। तो डायग्राम में आप देख रहे हो ना, ये कार्डियक रीजन क्या होता है कि ये वाला जो हिस्सा है वो आपका कार्डियक के साथ अटैच रहता है, इसलिए बोलते हैं हम कार्डियक रीजन। उसके बाद फंडस, बॉडी और पाइलोरस, फनल की शेप में जो आती है वो होती है आपकी पाइलोरिक रीजन। अब स्टमक, अगर हम बात करते हैं स्टमक के फंक्शन की, तो ये क्या करता है, एक्ट एज ए स्टोर टैंक फॉर फूड। ये बेसिकली क्या करता है, आपका स्टोरेज की तरह काम आता है कि जो भी आप खाना खाते हो वो वहां पे स्टोर होता है। और यही वो साइड्स है जहाँ पे फूड ब्रेक डाउन होगा और मिक्स होगा, केमिकल ब्रेक डाउन होंगे प्रोटीन्स वगैरह विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स। नेक्स्ट है आपका, उसके बाद जो नेक्स्ट फूड प्रोसेस है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। अब हम बात करते हैं स्पेशल फीचर ऑफ स्टमक, तो क्या होगा, प्रोड्यूस स्टिकी एल्काइन म्यूकस। स्टमक में बेसिकली क्या करता है, एचसीएल की प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट है आपके सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस, स्टमक आपका गैस्ट्रिक जूस भी सेक्रेट करता है ताकि आपके जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं वो ब्रेक डाउन हो सके, ठीक है। प्रोटीन, और ये प्रोड्यूस करता है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, पेप्सिनोजन, ये क्या करता है प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद प्रोड्यूस स्टिकी एल्काइन म्यूकस, तो आपको पता लग गया ताकि वो एचसीएल को न्यूट्रलाइज कर सके। नेक्स्ट करता है प्रोड्यूस करता है एचसीएल और बी ट्वेल्व की एब्जॉर्प्शन भी आपकी यहाँ पे होती है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ है प्रोड्यूस गैस्ट्रिन बाय एंडोक्राइन सेल्स, जिसको बोलते हैं जी सेल्स। ये बेसिकली क्या करते हैं, पेरिटल सेल्स और ओवरऑल गैस्ट्रिन की सेक्रेशन को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है आपका पेनक्रियास, पेनक्रियास क्या है, अ ग्रैंडुलर ऑर्गन लोकेटेड इन अ एब्डोमन, इट कंटेन एंजाइम्स दैट एड्स इन अ डाइजेशन। पेनक्रियास भी एक ग्रैंडुलर ऑर्गन्स है, ये एब्डोमन के पास रहता है, इसके पास वेरियस एंजाइम्स होते हैं जो कि एज अ डाइजेशन की तरह काम करती है। इट इज अ लॉन्ग फ्लैट दैट प्रेजेंट बिहाइंड द स्टमक, की लंबी होती है और फ्लैट होती है और प्रेजेंट ना होती है स्टमक की बैक साइड में। नेक्स्ट है आपका फंक्शन ऑफ पेनक्रियास, पेनक्रियास के फंक्शन की बात करते हैं, तो बेसिकली ये क्या करता है, आपकी ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन करता है। पेनक्रियाटिक आइलैंड आर प्रेजेंट इन अ पेनक्रियास। अब पेनक्रियास सेल्स भी किससे मिलके बने होते हैं, इसके पास होते हैं अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स और डेल्टा सेल्स। तो जो अल्फा है वो क्या करता है, ग्लूकागन, ग्लूकागन क्या करता है, ग्लूकोज की सेक्रेशन को बढ़ा देता है। जब कई बार आपके ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो ग्लूकागन सेक्रेट होता है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कम करता है। और डेल्टा क्या करता है, सोमैटोस्टैटिन को, यानी कि अल्फा और बीटा के जितने भी सेक्रेशन है उसको रेगुलेट करता है सोमैटोस्टैटिन। गामा सेल्स क्या करता है, पेनक्रियाट पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन। नेक्स्ट है आप बात करते हैं हम लीवर की, लीवर क्या है, लीवर इज द लार्जेस्ट ऑफ द एब्डोमिनल विसरल पार्ट। विसरल का मतलब बहुत नाजुक पार्ट है। इट परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जितनी भी अगर हम बात करते हैं जितनी भी आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है आपकी लीवर के पास। और ये जरूरी भी है ताकि आपका होम्योस्टेटिक प्रोसेस मेंटेन हो सके, न्यूट्रिएंट्स एंड इम्यून डेफिशिएंसी। इस तरह से आपका लीवर रहता है डायग्राम के थ्रू, इसके अंदर होती है आपकी राइट लोब्स और लेफ्ट लोब, फिर आते हैं आपकी गॉल ब्लैडर जहाँ पे भी जितना भी आपका बाइल जूस है वो सेक्रेट होता है। उसके बाद राइट हेपेटिक डक्ट्स और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स, बाइल डक्ट होती है, उसके साथ ही पेनक्रियास। लीवर इज अ ह्यूज ऑफ ग्लैंडुलर ऑर्गन बिलोंगिंग टू द जीआई सिस्टम। जो लीवर है वो सबसे ज्यादा आपके जीआईडी सिस्टम के साथ अटैच रहता है। इट रिसीव्स 25% ऑफ कार्डियक आउटपुट, और ये जितना भी हम हर्ट देते हैं हमको, तो वो कहाँ से, लीवर, 25% आपका ब्लड है वो लीवर में जाता है विद द हेल्प ऑफ कार्डियक। नेक्स्ट है आपका फंक्शन, अगर हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ लीवर की, इट रेगुलेट मोस्ट केमिकल लेवल इन अ ब्लड, ये केमिकल के लेवल को ब्लड में मेंटेन करता है। इट सेक्रेट अ प्रोडक्ट कॉल्ड बाइल, ये बाइल नाम के जूस भी सेक्रेट करता है।
दिस हेल्प कैरी अवे वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द लीवर, और लीवर की हेल्प से आपके जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर जाते हैं. एक्सक्रीशन ऑफ बिलीरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन एंड ड्रग, ये बिलीरुबिन और कोलेस्ट्रॉल जितनी भी है उसको एक्सक्रीट आउट करने की कोशिश करता है. मेटाबोलिज्म ऑफ फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, और जितने भी फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की मेटाबोलिज्म है वो ये करता है. नेक्स्ट है आपका इट्स स्टोर ऑफ ग्लूकन, विटामिन एंड मिनरल, ये ग्लूकोगन विटामिन और मिनरल को भी स्टोर करके रखता है. एंजाइम एक्टिवेशन भी इधर होती है, और ये ब्लड की टॉक्सिफिकेशन एंड प्योरिफिकेशन में हेल्प करता है. नेक्स्ट है आपका लीवर बाइल जूस गॉल ब्लैडर, लीवर प्रोड्यूस करता है फ्लूड जिसको बोलते हैं बाइल जूस, और ये बाइल जूस से स्टोर होता है आपके गॉल ब्लैडर में. बाइल जूस किस लिए काम आता है, ताकि आपका फैट को ब्रेक डाउन कर सके. इट्स अगर हम बात करते हैं ठीक है गॉल ब्लैडर, उसके बाद आते हैं आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के आपके तीन पार्ट रहते हैं ड्यूडेनम, जिजनम और इलियम, और लार्ज के होते हैं असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और क्यूकम. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसमें बेसिकली न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब किया जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिकली आपके जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वाटर और सब विटामिन, ये एब्जॉर्ब होते हैं. जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इट हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है विलाई, जिसको एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करते हैं, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन में ये नहीं होता, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लार्जर, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो बेसिकली स्मॉल होता है. इट इज नैरो इन नेचर, इट इज वाइड इन नेचर, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो पतली होती है बाय नेचर, और लार्ज इंटेस्टाइन वाइड होती है. अब बात करते हैं हम फिजियोलॉजी एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन, कि डाइजेशन आपकी बॉडी में कैसे होती है. डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच लार्ज इनसोल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स में. एब्जॉर्प्शन इज अ प्रोसेस, ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर हम बात करते हैं माउथ की बात करते हैं, तो मैकेनिकल डाइजेशन इंक्लूड च्यूइंग और स्वेलम, जितना भी आपका च्यूइंग और स्वेलम की प्रोसेस है वो आपकी माउथ के थ्रू होती है, और केमिकल डाइजेशन होती है आपकी कार्बोहाइड्रेट्स और फैट में. और अगर हम बात करते हैं स्टमक की और इसोफेगस की, तो मैकेनिकल डाइजेशन इंक्लूड होती है पेरिस्टाल्सिस मिक्सन, केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन और फैट होते हैं, और उसके बाद आती है इसमें थर्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड सोल्यूबल एंड ड्रग लाइक एस्पिरिन. और हम बात करते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट, और जितना भी आपका अनवांटेड फूड है वो आपका चला जाता है लार्ज पार्ट में. नो केमिकल डाइजेशन अक्कर होती है इसमें. उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस, वाटर एंड मॉलिक्यूल्स, ये सब आपके एब्जॉर्ब होते हैं आपके लार्ज इंटेस्टाइन. नेक्स्ट है अनडाइजेस्टिव फूड है, वो आपका एनस के थ्रू बाहर आ जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफेसेशन. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आपकी एसिड की प्रोडक्शन कैसी होती है, और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन सी ड्रग्स हम यूज करते हैं.